सोलन में भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कई पलटवार किए। अपने संबोधनों में उन्होंने कहा कि आज ठियोग की सीट को छोड़कर अर्की उन्हें आना पड़ा, लेकिन उन्हें यहां भी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास ठप है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट और जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुके हैं, इसलिए उनका वो हश्र होने वाला है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज हिमाचल की प्रत्येक व्यक्ति पर कांग्रेस सरकार ने कर्ज चढ़ा रखा है, जिसका मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर उतारेगा। दुख इस बात का है कि आज कांग्रेस किस मुंह से जो है 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने जा रही है, क्योंकि मौजूदा कांग्रेस की वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 5 वर्षों से बनी, वो एक किस तरह से उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, किस तरह से यहाँ पर कानून और व्यवस्था जो है चरमराई, किस तरह से जो है यहाँ पर विकास के कार्यों को केवल मात्र लोगों को गुमराह करने तक रखा। 35,000 रुपया आज प्रति व्यक्ति के ऊपर जो है ऋण जो है वो लादा गया है, वो आज बख्शने वाली ये जनता नहीं है। और वीरभद्र सिंह के साथ भी वही सलूक होने वाला है अर्की में, जो उत्तराखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस महामंत्री अरविंद गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वे सोलन जिला से चुनाव में खड़े अपने भाई और भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप की जमानत बचाएं और अर्की की चिंता छोड़ दें। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 7वीं बार बनने जा रहे हैं, लेकिन सांसद वीरेंद्र कश्यप कितने ही दल बदल कर और करीबन आधा दर्जन हार का सामना कर चुके हैं, इसलिए वे आज किस मुंह से मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपने राजनीतिक कद को देखना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। एक मजाक की बात है जो श्री वीरेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं। वीरेंद्र कश्यप जी ने एक इतनी बड़ी बात एक इतनी बड़ी शख्सियत के लिए कही है जो मैं नहीं समझता कि वो उनके कद के मुताबिक उन्हें ये शोभा देगी कि वो राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, और आज तक का कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो कभी वीरभद्र सिंह जी ने कभी मुंह की खाई हो। वीरेंद्र कश्यप जी का कैरियर आप सबको मालूम है कि वो कितने ही चुनाव लड़कर कितनी ही पार्टियां बदलकर आज बीजेपी में आकर स्थापित हुए हों, कि श्री वीरेंद्र कश्यप जी को अपना घर बचाने के लिए सोचना चाहिए और वो सोलन निर्वाचन क्षेत्र में अपने भाई को उनको कैसे बचाएंगे उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है।